ग्रामिया कर सखावत करनी है। आ जड़े मेरे बेली फैक्ट्रियां वाले बैठे हो ना, फैक्ट्रियां दे मालिक, जड़े कारखानियां दे मालिक, जिन्हें को दो चोर मुलाजिम रखे ने ना, अल्लाह ज्यादा देवे होर बरकतां, रब पाक दे सदका रब रिज़्क़ वसी देवे। कोशिश करे आज के अपने मुलाजमीन उते रमजान शरीफ च जिन्नी सहूलत ते नरमी कर सके, हर तरह वक्त दी नरमी, रवैये दी नरमी, पैसे वालों नरमी, सखावत करे आज। कोशिश करे आज के थोड़ा कम लवो, कोशिश करे आज के छुट्टी जल्दी दे दे आज, कोशिश करे आज के मुलाजमीन नु रमजान शरीफ के अंदर सहूलतां दियो। अपने उत्ते खुदा दा फजल चाहते हो ना, जे बरकरार रवे ते नेमत बहाल रवे, फिर अपने तो नीचे वाले तबके ते उत्ते रमजान शरीफ च अपनी दौलत दे दरवाजे खोल दिया। जे नबी पाक ने फरमाया रमजान शरीफ च मोमिन दा रिज़्क वसी कर दिता जांदा है, वसी कर दिता जांदा है। आ जिहड़ी तुहाड़ी कमाई ते दौलत है ना, ते इहनूं कितने अपने अकल दी वजह ना समझ लवे कि मैं बड़ा अकलमंद आ, मैं बड़ा ज़हीन आ, रब ने मैनूं इस वास्ते ज्यादा दौलत दी है कि मैं बड़ी ज़हानत नाल कारोबार चला रहा। नहीं नहीं, ना तेरी ज़हानत ते ना तेरी अकलमंदी, तेरे नालों बड़े बड़े अकलमंद, तेरे नालों बड़े बड़े गरीब ने, बड़े बड़े अकलमंद, तेरे नालों बड़े बड़े गरीब ने। आ जिहड़ी तेरे कोल दौलत ते माल है ना, इह तेरे ते रब दी अता है, इह तेरे ते रब दा फजल है, इह तेरे ते करम है। दुनिया च को हजरत सुलेमान अलैहि सलाम नाल वध के अमीर ते नहीं ना, जित्थे सूरज तलू होंदा, जित्थे जाके गुरूब होंदा, पूरी कायनात दा बादशाह ते शहंशाह, इतना अमीर इंसान हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के पूरी कायनात दा शहंशाह। चार बादशाह गुजरे ने पूरी कायनात अंदर, जिन्ना पूरी कायनात ते बादशाही कीती है। हजरत सुलेमान, हजरत ज़ुल्करनैन, बख्ते नसर ते नमरूद, दो मुसलमान ते दो काफिर। नौजवानों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने अमीर सन के आप इसके बावजूद भी रात नो सारी रात टोकरियां बना के ना, खजूर दे पत्तियां दी टोकरियां, पुराने जमाने च माइया पकड़ी हुंदी सी, माइया जदों शॉपिंग करने जांदियां सन ते टोकरियां लैके एक टोकरियां बना के हज़रत सुलेमान वेचदे सन। हुण नहीं बोलना तो सुभान अल्लाह, टोकरियां बना के बेचनिया, शाम को जो पैसे आने वो आपने अपना खाना खरीद के खा लेना। एक रात ख्याल आया, पूरी कायनात का बादशाह, रब ने मेरी ड्यूटी की लगाई है कि मैं टोकरियां बना के खाना। रात टोकरियां बनाइया, सुबह बेचन गए, एक टोकरी भी ना बेची, एक टोकरी ना बिकी, शाम नु घर रखया ते अज खावन वास्ते घर खाना भी कोई नहीं, ते बादशाह शहनशाह पूरी कायनात दा, ते शाम नु घर खाना खान वास्ते भी कोई नहीं। ख्याल आया टोकरी क्यों नहीं बिकी, अज अल्लाह ने पैगाम भेजा, सोनिया तेरिया टोकरियां नाल नहीं तू खांदा, मेरे फजल नाल खाना है। समझी के हो रे मैं शाम नु मजदूरी करना ते फिर रिज़्क खाना, ना ना, हो रे मैं बड़ा फैक्ट्री दा मालिक है, मैं बड़ा अकलमंद है कि मेरा कारोबार इतना वसी है, ये फजल ही रब दा। ओ ना वेचन देवे ते बादशाह दी टोकरियां ना विकन देवे, मैं ते तू केड़े बाग दी मौली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन الصلاة والسلام على قادر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما पढ़िए सलातो सलामु अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिक वसहाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातो सलामु अलैक या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन वाला आलिक वसहाबिक या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाइस तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम के बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़िरीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शाबानुल मुबारक दा माह मुकद्दम तशरीफ लेके आया और अपनी पूरी रहमतानों बरसा के वापस तशरीफ लेके जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक दे माह मुकर्रम दी आमद आमद जदों आसमान ते और फिजा दे अंदर बदल छा जान तेज हवा चले आंधी आ जाए तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बारिश होने वाली है तो बदलों का छा जाना इस बात की दलील होता है कि बारिश आने वाली है जब शबान आ जाए तो इंज समझो बदल हो गए ने रहमत की बारिश वसन वाली है तो रमजान उल मुबारक का माह मुकर्रमन करीब तशरीफ लेके आ रहा है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही रमजान उल मुबारक के आमद तो पहले अपनी उम्मत नू अपने सहाबा नू अपने गुलामा नू तैयार फरमाते सन खुतबा देते सन इस्तकबाल रमजान शरीफ वास्ते तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक के तहत अज असी भी इस्तकबाल रमजान शरीफ के वास्ते अज दा खुतबा जुमतुल मुबारक रमजान शरीफ की तैयारी वास्ते करने कि रमजान शरीफ तो पहले सानू किवें तैयारी करनी चाहिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ी रब तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम फरमाया ए ईमान वालों तुहाडे ते अल्लाह ने रोजे फर्ज कर दिते कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम फरमाया जिस तरह तुहाडे तो पहले लोगों ते मैं रोजे फर्ज किए लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुसी मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ सब तो पहली बात यह कि रमजान शरीफ का माह मुकर्रम तशरीफ ही अहले ईमान वास्ते लेके आया है ये अल्लाह ने फर्ज रोजे ईमान वाले ते किए ये भी पता लग गया कि सिर्फ साढ़े ते नहीं अल्लाह ने पिछली कौमों ते भी फर्ज फरमाई गो के उन्हां दी कैफियत मुख्तलिफ सी और तीसरा पता ये लगा कि लअल्लकुम तत्तकून रमजान शरीफ आ रहे सानू मुत्तकी बनावन वास्ते परहेजगार बनावन वास्ते रमजान रमजान के अंदर निकले रमजान रमजान चो निकलिया रमजान का माने जला देना साड़ देना जिस तरह के अल्लाह की तजल्ली ने कोहे तूर नु जला देता
शबे में रात जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जे मैं एक कदम भी आगे उठावा ते सोनिया मेरे पर जल जांदे ने ओदी तजल्ली दे नाल। पर मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया जे रब पर्दा उठा देवे ना ते सारी कायनात जल जावे। तो रमजान रमजान चो निकलिया, रमजान दा माने जला देना, साड़ देना। ए आया गुनाहों नु साड़न वास्ते, सारे साल के गुनाहों नु साड़न वास्ते रमजान शरीफ दा माने मुकद्दम मार रहे। मौला अली अल मुर्तदा शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि अगर अल्लाह दा इरादा इस उम्मत नु दोज़ख विच जलावण दा हुंदा ते रब इस उम्मत नु कदे रमजान शरीफ दा महीना ना अता करदा। रमजान दा महीना अता करके अल्लाह ये दसना चाहता है कि मेरा तुहानू दोज़ख विच साड़न दा कोई प्रोग्राम नहीं। रमजान शरीफ दे के रब ने सानू दस्या कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं तुहानू दोज़ख विच साड़न दा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान शरीफ दे आमद तो पहले रमजान शरीफ दी तैयारी शुरू फरमा देंदे सन। और मैं ते किताबा दे अंदर पढ़िया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दे असहाब दा ए मामूल सी कि 6 महीने रमजान शरीफ दे आउण दा इंतजार ते खुशी मनांदे सन। ते रमजान शरीफ चला जांदा सी ते 6 महीने रमजान दी जुदाई च दुखी रहंदे सन। ऐसा माह मुकर्रम कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर खत्म नबूवत पे बैठ के फरमाया सहाबा तुहाडे कोल एक महीना तो शरीफ लगे आने वाला है, तैयारी करवा रहे मेरे नबी। रुकन हुजूर ने रमजान शरीफ की तैयारी पहले करवाई। हुजूर ने फरमाया तुहाडे कोल एक महीना आवन वाला है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि ये महीना ऐसा महीना है कि जिद च एक नेकी दा सवाब 70 गुना हो जाएगा, नफल दा सवाब अल्लाह फर्ज जितना कर देवेगा ते फर्ज दा सवाब 70 गुना अता फरमा देवेगा। ते जे ओदी रहमत नु मजीद तरस आ जावे ते बगैर हिसाब तो एक नेकी कर रब तेनु बगैर हिसाब अजर अता फरमावेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान शरीफ का इस्तकबाल इंज फरमाते हैं कि जदों रजब का महीना चढ़ता है ना, यानी रमजान शरीफ तो 2 महीने पहले, यानी ये शबान है शमजान तो शबान तो पहले रजब से, रजब का महीना जब आंदा है तो नबी पाक दुआ की करते हैं, हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब, साडे रजब च बरकत अता फरमा, व शबान ते शबान च बरकत अता फरमा, वबल्लिगना रमजान ते सानू रमजान तक बेहतरीन अंदाज नाल पहुंचा। यानी रमजान शरीफ तो 2 महीने पहले मेरे नबी रमजान शरीफ दे आमन दियां इहदे इस्तकबाल दियां तैयारियां शुरू फरमा देते ने। चंद दिन रह गए रमजान शरीफ दे तशरीफ लेके आमन च, जे तैयारी कर ली ते फाबे हाथ ते नहीं कीती ते अज तू तैयारी शुरू कर दियो। तेरा घर का माहौल वे के किसी को पता लगे किसे मोमिन का घर है, ईमान वाले का घर है, कि घर रमजान शरीफ की तैयारी शुरू हो गई। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले तैयारियां शुरू फरमा देते। रमजान शरीफ आउंदा 6 महीने खुशियां मना रहे जांदा है ते 6 महीने सहाबा दुखी रहते। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ दा महीना ए नहीं कि जदों रोजे फर्ज होए ते रमजान शरीफ दे नाल मेरे नबी दा फिर प्यार होया, नहीं नहीं रमजान शरीफ ऐसा माह मुकर्रम है कि ऐलाने नबूवत तो पहले ओ जिहड़ा गारे हिरा दे अंदर जाके मेरे नबी 1 महीना इबादत फरमांदे सन ना, ओ महीना रमजान शरीफ दा तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह। अजे रोजे नहीं आए ते तुहाडी सुभान अल्लाह दा आ हाल है, जे रोजा रख के आए ते फिर मैं सोची पै गया हुण की बन सी। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे ज़ौक दी गुफ्तगू करांगा, मैं रमजान शरीफ दी तैयारी करानी है अपनी मिल्लत दे नौजवानां ते बुजुर्गां नूं। गारे हिरा दे अंदर ऐलान नबूवत तो पहले 1 महीना जिहड़ा मेरे नबी इतकाफ फरमांदे सन ना, ओ महीना रमजान शरीफ दा सी।
पता लग्या कि सिर्फ रोजे दे आवन दी वजह तो मेरे नबी ते रमजान दा ताल्लुक नहीं, रोजियां तो आवन तो पहले भी कमली वाले दा ताल्लुक रमजान नाल है। रमजान शरीफ दे नाल मेरे नबी दा ताल्लुक ऐलान नबूवत तो पहले दा है। रोजे ते फर्ज होए जब नबी पाक हिजरत करके मदीना ते गए आए ते हिजरत दा दूसरा साल सी, सोमवार दा दिहाड़ा, सोमवार दा दिन जब मेरे नबी ते नबूवत दा ऐलान करना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक दा पैगाम आया गारे हिरा च, ओ भी सोमवार। जब मेरे आका पैदा होए ओ भी सोमवार। जब रमजान शरीफ आया ओ भी सोमवार ते पीर दा दिहाड़ा। कौन है दिवाली ते दूसरी हिजरी दे साल ते रमजान शरीफ दे रोजे फर्ज होए उम्मत मुस्तफा ते, ए आयत पाक उदों नाज़िल होई यानी मेरे नबी दी हयात तैयबा च तकरीबन 9 मरतबा रमजान शरीफ दे रोजे आए। 9 साल मेरे नबी ने रमजान शरीफ दे रोजे अपनी हयात ज़ाहरी दे अंदर रखे। हुन पढ़ा कुरान भाई, कुरान भाई, कुरान भाई, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सवाब समझ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर रमजान शरीफ का जिक्र फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बैनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान का महीना है शहर रमजान, ये रमजान का महीना है उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। फरमाया इहदे विच असां कुरान नाज़िल फरमाया, कुरान नाज़िल फरमाया, ओ जवानो अल्लाह का कुरान बड़ी फजीलत वाली किताब है। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वला रकबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन कुल्लु सगीर जो कुरान दे अंदर अल्लाह ने कुरान च सारा कुछ बयान फरमाया। नौजवान सयाल छोड़ दे रहने वाले गुरबो जवाब दे आने वाले अल्लाह ने कुरान दे अंदर औरत दी अदमत बयान की थी। इसे औरत दा रब ने कुरान च नाम नहीं लिया, एक औरत जिदा नाम लेके अल्लाह ने कुरान च जिक्र फरमाया वो भी अदमत नु बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मरियम बिनत इमरान, इमरान दी बेटी मरियम एक औरत का नाम लेके कुरान च जिक्र फरमाया। नौजवान हर सहाबी का बड़ा मुकाम है, अल्लाह ने सहाबा दियां बड़ियां सन बयान कीतियां पर किसी सहाबी का नाम लेके कुरान च जिक्र नहीं फरमाया। एक सहाबी ऐसे ने जिन्हां का नाम लेके अल्लाह ने कुरान च जिक्र फरमाया, फरमाया फलम्मा कदा सही हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला नो दा ज़िक्र कुरान च आया, उन्हां दा नाम लेके ज़िक्र फरमाया। इंजी 12 महीने पैदा फरमाए रब ने, 12 महीनियां दा ज़िक्र कुरान च कीता, किसे महीने दा नाम नहीं लिया। पर जदों आई रमजान दी वारी अल्लाह फरमाए शहर रमजान, महीने जो एक महीने का नाम लेके अल्लाह ने कुरान च जिक्र फरमाया। एक औरत का नाम कुरान च, एक सहाबी का नाम कुरान च, एक महीने का नाम कुरान च फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। फरमाया ए रमजान जिदे बिच कुरान आया, ए रमजान जिदे बिच कुरान आया, पता चलिया कुरान रमजान आया, रमजान बिच कुरान। सुभान अल्लाह, उच्चा बोलो जिन्हों रमजान शरीफ दे आमन दी खुशी हो बोले सुभान अल्लाह।
ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਰੀ ਬਿਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇੰਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਜ ਮੈਂ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇੱਕ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲਾਵਤ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲਾਵਤ, ਦਿਨ ਵੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਰਾਤ ਵੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਦਿਨ ਵੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਰਾਤ ਵੀ ਤਿਲਾਵਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਬਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੇ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ, ਤੇਰੇ ਤਖਯਲ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਬਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਦਰਿਆ ਬੜੇ ਸਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੂਹੇ ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਦੇ। ਦਰਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਖੀਏ ਸਖੀਏ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਖਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਜੀ ਕਾਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਵਲਾ ਬਈ ਪਿਓ ਦੀ ਅਲਿੰਨਾ
परवरदिगार ने फरमाया काबा भी बरकतां वाला रमज़ान भी बरकतां वाला और काबा ऐसा बरकतां वाला है वो देंदा ते बरकतां ते रहमतां है और कोल बुला के देंदा है जिवें दरिया सखी आंदा है और कोल बुला के देंदा है बारिश ओ सखी है जेड़ी घर आ के देंदी है काबा कोल बुला के रहमतां देंदा है रमज़ान घर बोलिया जे सुभान अल्लाह काबा भी बरकतां वाला ते रमजान भी बरकतां वाला काबे दा दीदार करके बंदा हाजी बनदा है रमजान का अदब करके रोजे रखे मुत्तकी बनता है वो जिहड़ा अल्लाह का मंशूर है ना कि मोमिन हर मुसलमान मोमिन भी होवे ते मुत्तकी भी होवे लअल्लकुम तत्तकून और रमजान शरीफ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियां दा पेशवा पाक पतन दी नगरी दा दूला ज़ुहदुल अंबिया फर्दुल फरीद फर्दुल अफराद फर्दे वाहिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद रहमतुल्लाह ताला अलैह आ फरमादे ने कि मारिफत हकीकत दियां मंजिलां अदियां मंजिलां सारियां इबादतां नाल तय होंदियां ने ते मारिफत दियां अदियां मंजिलां सिर्फ रोज़े नाल तय होंदियां ने रोजा जेड़ा मारिफत दियां मंजिलां तय करावन आंदा है जदों आंदा ना रमजान शरीफ दा महीना ते मेरे नबी दा रंग फक हो जांदा है रंग पीला पै जांदा है क्यों 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 उलमा ने एदी तौजीहात फरमाईया फरमा देने कि हुजूर दा ख्याल आंदा सी कि तेरे रमजान शरीफ दे अंदर तबीयत ना साज ना हो जाए तबीयत ना साज ना हो जाए कोई बुखार ना हो जाए कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए कि जिदी वजह तो अल्लाह दा फर्ज अदा करन विच कितरे कोताही ना हो जाए हजूर ते इस वजह तो परेशान हो जाते ने ते असी रमजान शरीफ आउंदा ना ते जेड़ा चंगा भला 11 महीने रहंदा ना खांदा पींदा ओ जदों रमजान दे रोजे नहीं ना रखदा ते पुछिए की होया कहंदा मेरा मैदा खराब हो गया असी चंगे भले बीमार हो जाते जान बुझ के बीमार ओ झलिया रमजान शरीफ ते आया सी तेरा 11 महीने दियां बीमारियां दूर करन वास्ते तू चंगा भला बीमार बन गया कि मैं रोजा ना रखना पै जाए तेरी बदबख्ती है बदकिस्मती है कई साल में शबाज से भी रोजा नहीं रख दे कि मैं सिगरेट पीना मेरा सिगरेट बगैर गुजारा नहीं जाता बड़े नाज ने कहते मैनु रोटी मिले ना मिले बस सिगरेट मिलना चाहिए मेरा गुजारा हो जाता एडी बदबख्ती यार नबी पाक ने फरमाया जब रमजान का महीना आता है तो सिलसिलात शैयातीन या सिलसिलात शैतान शैतानों पाबंदे सलासल कर देता जाता है कैद कर देता जाता है ये शैतान कैद हो गया तो तू क्यों ना क्यों पे कर तू सिगरेट क्यों पी रहा है तू रोजा क्यों नहीं रख रहा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा जे शैतान ही तेनों बहका के गुनाह करांदा है ते रमजान शरीफ दे महीने च ते शैतान पाबंदे सलासले ओ ते कैदी बन गया फिर तेरे कोल गुनाह कौन करा रहा है पता लग गया तेरे अंदर भी कोई शैतान है ओ तेरा नफ्स इतना मानूस हो चुके हैं सयाद से हम कि अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे असी शैतान नाल इतने मानूस हो चुके हैं कि होवे या ना होवे सानू फर्क नहीं पैदा सारी जिंदगी इस वास्ते रोजे नहीं कोई बुजुर्ग रख दे कि सिगरेट पीना मेरा गुजारा नहीं ते जे रख लें ते रोजा सिगरेट नाल खोल दे माशाल्लाह किसी दिन कल्या बैठ के गिनती करके वेख लवी कैलकुलेट करके देख लवी के जिन्हें जिंदगी तू सिगरेट पीते नहीं सारे पैसे जिंदगी जमा कर दा तू तेरी बीवी तेरे बच्चे तेरे मापे सारे हज कर लेना
इन्हें पैसे च हज हो जाना सी सारे जितने पैसों तो अग लगा के पी जाना फेफड़े खराब कैंसर की बीमारी खांसी दिमागी बीमारी कल्ब की अमराद शुगर ब्लड प्रेशर कादे वास्ते सिगरेट पीने की वजह तो अपनी मौत नो आप आवाज दी जावे सिगरेट पीना ते दीगर दिना दे अंदर भी बुरा है पर रमजान शरीफ ते विच ते बहुत बुरा है बहुत ज्यादा बुरा मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के ते लसन खा के कोई साडी मस्जिद च ना आवे क्यों के प्याज ते लसन दी बू दी वजह तो फरिश्तियां नु तकलीफ होंदी है यार जे प्याज ते लसन हलाल चीजां खा के मस्जिद च आवे ते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमा के मस्जिद च ना आवे क्योंकि फरिश्तियां नु बू दे नाल तकलीफ होंदी है ते जेड़ा सिगरेट है ही मकरूह ओ जदों तू पी के मस्जिद जावेगा रोजे दे दार दे करीब जावेगा ते फरिश्तियां नु तेरी वजह तो तकलीफ नहीं होवे अज तुसी किसे नु तोहफा दियो ते तुहाडे सामने तुहाडे तोहफे नु अग लगा देवे दोबारा देवोगे ते रब देवे तेनु रिज़्क रब तेनु देवे पैसा ते तू रब दे पैसे नु सिगरेट बना के ते अग लगा देवे ते फिर आखे मेरी कमाई च बरकत भी कोई नहीं फिर आखे पीर जी मौलवी जी आसी साहब तवीद लिख दो मैनु वजीफा दसो मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं आप ते तो रब दी कमाई ते रब दी रिज़्क नु आप ते अग लगा रहे हैं ते रब तेनु रिज़्क देवे किवें रब तेनु क्यों बरकत देवे ना शुक्री तो रिज़्क दी तो आप कर रहे हैं लिहाजा रमजान शरीफ दे अंदर तहैया कर लो कि मैं सिगरेट छोड़ देने ने तो मुसम्मम इरादा ते कर ते रब को मदद मांग के मेरे मौला मेरी इस काम में मदद फरमा इंशाल्लाह सारी जिंदगी बाद से सिगरेट छोड़ जावांगे और असा लोगन वेखे छोड़ दे लिहाजा नौजवानों मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रंग फक हो जाता है हजूर दा जब रमजान शरीफ दा महीना पाक आता है कि कितने रोजा ना छुट जावे किसे वजह तो जब रमजान शरीफ दा महीना आता मेरे नबी सहाबा नु मुबारकबाद देंदे दोगे ना सारे ने दूसरे अपने बच्चों रमजान शरीफ की मुबारक दो ताकि जो बुजुर्ग हो जाओ वो वड्डे हो तो उन्होंने पता हो असा भी अपने बाबियां रमजान शरीफ की मुबारक देनी है औलाद नु खबर होवे को मुबारक महीना आ रहे है ये आम दिन वर्गे दिन नहीं आ रहे को मुबारक दे ना रहे ने मगर ए एदा मतलब नहीं आजकल फेसबुक ते जेड़ा कहया जांदा जी रमजान शरीफ दी जेड़ा दूजे नु मुबारक देवे ओदी जन्नत पक्की एडी सस्ती जन्नत नहीं है किसे महीने दी मुबारक देन नाल जन्नत नहीं मिलदी उंज सुन्नत है मेरे नबी दी कि रमजान शरीफ दा चन चढ़दा है ते मेरे नबी सहाबा नु मुबारकबाद देंदे ने मगर ए याद रखिए फेसबुक ते उत्ते गलत पोस्टां कीतीआं जांदीआं कि रमजान शरीफ दी जिहड़ा मुबारक देवे माशाल्लाह बाद ते लिखदे ने कि हुजूर ने फरमाया है कि उन्नु जन्नत मिलदी है हुजूर दी हदीस है ही नहीं ना है मेरे नबी ने फरमाया हां उंज सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रमजान शरीफ दी मुबारक देना जब रमजान शरीफ का महीना तो शरीफ लेके आंदा है नबी पाक का मामूल की है कुरान मजीद ते मेरे नबी वैसे ही बड़ा तिलावत फरमाते सन पर जब रमजान शरीफ का महीना आंदा ना इनी कसरत नाल तिलावत फरमाते ने कि नबी करीम अलैहि सलातो सलाम एक कुरान मजीद ते लाज़मी रमजान शरीफ च खत्म फरमाते ने आज रमजान शरीफ दे आमद तो पहले जुमातुल मुबारक दा दिन ते आज शाम तक नियत कर लो कि ऐस रमजान शरीफ च ज्यादा नहीं ते मैं एक मर्तबा पूरा कुरान पाक जरूर पढ़ना है आज नियत कर लो ते जेड़े नहीं पढ़े मैं किताब च पढ़िया कि एक बाबा जी फौत हो गए ते उन्हां दी कबर विचों खुशबू आवे सारे लोग माई साहबा को गए थे आखे अम्मा जी बाबा जी केड़े नेकी कर दे सन के जिस वजह ते इना दी कबर च भी खुशबू आंदी गई ते माई कहन लगी के बाबा जी कुरान पाक नहीं सन पढ़े पर जद रात हुंदी ते कुरान मजीद खोल के ते सुबह भी कुरान मजीद खोल के ना ते कुरान मजीद दी एक एक आयत एक एक लाइन ते एक एक हरफ दे उते उंगली रख के ते कहंदे ने ए मेरे रब ने फरमाया है सच ही फरमाया है सुभान अल्लाह हाय हाय आ मेरे रब ने फरमाया
साची फरमाया। आ मेरे रब ने फरमाया साची फरमाया। कुरान पाक नहीं भी पढ़े ते पढ़ो ते जे नहीं पढ़ सकदे ते ज़ियारत करो, कुरान दी ज़ियारत करना भी सवाब है, कुरान दी ज़ियारत भी करो। लिहाजा इस रमजान शरीफ च नियत कर लो कम अज कम एक मरतबा ते पूरा कुरान मजीद मुकम्मल जरूर पढ़ागा। नियत कर लो, ये सुन्नत है मेरे नबी दी। हर साल जिब्रील मेरे नबी नाल कुरान मजीद दा दौर करन आंदे सन, यानी सारा साल मेरे नबी कुरान पढ़दे ने। रमजान शरीफ च जिब्रील मेरे नबी नू कुरान सुनाना हुंदे ने। आ दौर करना, ये हाफिज जड़े बच्चे ने समझ गए कि दौर करना हाफिजा दे अंदर दौरा करना मतलब कि एक दूसरे नू कुरान मजीद सुनाना, इतना मंजिल मजबूत होंदी है। रमजान शरीफ च जिब्रील हुजूर नाल दौरा करन आंदे सन। आखिरी साल मेरे नबी ने जिब्रील ने दो मरतबा कुरान मजीद का दौर फरमाया। अगली बात सुनिए, रमजान शरीफ की चुके मैं तैयारी करानी है, मैं तुहानू वो गल्लां दस रहा जिहड़ी कमली वाले कर दे ताकि साडा उवें दा मामूल बन जाए। नौजवान पौलियां दे वाली जदों रमजान शरीफ आउंदा है हदीसे पाक जांदा साहब फरमांदे ने रमजान शरीफ विच नबी पाक इंज सखावत करदे ने, इंज सखावत करदे ने, इंज सखावत करदे ने कि तेज आंधी ते तूफान भी मेरे नबी दी सखावत दा मुकाबला नहीं कर सकदा। आम दिनां दे अंदर मेरे नबी दी सखावत दा हाल है कि नबी परे पाक झड़ी लग जाती है, बुजुर्ग कहते हैं जब झड़ी लग जाए कई कई दिन लगातार बारिश आती है, कच्चे कच्चे मकान विचों पैदे छत विचों जांदियां ने, मकान दी छत विचों पानी टपकदा है, बारिश होती है जब झड़ी लग जावे जब मूसलाधार बारिश बरसती है, वो अपना ते बेगाना नहीं वेखदी, उच्चा ते नीवा नहीं वेखदी, वो गोरा ते काला नहीं वेखदी, वो गंदा ते पाक नहीं वेखदी, बारिश हर जगह बरसती है। मेरे नबी भी इंज सखावत करदे ने, अपना बेगाना वेखदे ही नहीं कि मैं मूसलाधार बारिश बरसती है, इसे आम दिनां च सखावत है। जदों रोजे दा महीना आउंदा है मेरे नबी इंज सखावत करदे ने कि तूफान भी नबी दा मुकाबला नहीं कर सकदे। मेरे नबी दे करम दे दरवाजे खुल जांदे ने, करम दे दरवाजे खुल जांदे ने, वो नबी जेड़ा एडा सखी है, जेड़ा एडा सखी है, एक यहूदी मेरे नबी दा मेहमान बन के आया कि घर विच खाने वास्ते कुछ नहीं। नबी पाक ने अपने साहब हजरत अबू राफे नु फरमाया ओ यहूदी दी दुकान ते चला जा, थोड़ा जिहा जौ या आटा उधारा लेके आओ। ओ यहूदी कहन लगा ना ना मैं उधार नहीं देना, अपनी जीरा गिरवी रखो। मेरे नबी ने अपनी जीरा गिरवी रख के ते जौ मंगा के आटा मंगवाया, ओदी रोटी पका के यहूदी परौने नु खिला दित्ती। नबी जेड़ा यहूदियों भी खाली ना जान देवे, ओ नबी जेड़ा एडा सखी है। कमली वाले की बारगाह च यहूदी आया ते कहन लगा मुहम्मद आ जेड़ा दो पहाड़ा दे दरमियान जिन्नियां बकरियां ने सारियां मैनू दे दे। मेरे नबी ने सारियां बकरियां दे दित्तियां, ओ बकरियां दी जिन्ना दी बाती भरी आई कम अज कम 10,000 बकरियां ने, ते मेरे नबी ने इको बार कहन ते मंगन ते दे दित्तियां। नौजवानों ए ही नहीं, ओ नबी जी दी सखावत ए हाल सफवान बिन उमैया कलमा पढ़ के मेरे नबी कुल 3 बार आए, हर बार मेरे नबी ने 100 ऊंसी अदा कीते। ओ नबी जी दी सखावत ए हाल 10,000 बकरियां किसे नु दित्तियां, ओ नाले कलमा पढ़ता जावे नाले आखे लोगो जाओ जाके मुहम्मद दा कलमा पढ़ लो, मुहम्मद इना देंदा जे गरीब
नबी दा खौफ ही मका देंदा ओ नबी जेड़ा एडा सफी है एडा सफी है नौजवानों मैं किताबां च पढ़िया दुनिया च बड़ा बड़ा सफी है जिदा नाम हातम ताई है उस हातम ताई नु मिलन वास्ते बड़े बड़े वजीर बैठे बड़े बड़े अमीर बैठे अचानक एक मगता आया हातम ताई ने मगते नु सारे वजीरा तो ऊंचा करके बिठाया ऊंचा करके बिठाया के लोग आखिया के मगते नु वजीरा तो ऊंचा बिठाया ही कह लगा मैनू मिलन आए ने ए मेरी सखावत चर्चे सुन के आया है तुसी भी रमजान शरीफ पे अर्ज कर आ जाए ओ हातम ताई को मंगता आवे ओ ऊंचा करके बिठांदा है असी भी मगते बन के आए अपने यार दिया सखावत दा वास्ता ही सानू भी खाली ना बेजी अगली बाल तेरिया सखावत दे बुए खुल जाने सोने सानू भी खाली ना बेजी आरी बिल्ला लोग ते बड़ी प्यार दी गल लिखी अल्लाह फरमा दा वा अम्मा साइना फला तनहार अल्लाह ने फरमा कमली वाले आओ जे गुस्सा वाली आ जाए छिड़कना मारी छिड़कना मारी जदू कयामत दा दिन आना है मेरे नबी सानू लेके रब कोल जाना है ते अर्ज करनी है या अल्लाह कोई आखिया सी कोई आ जावे ते खाली ना जान दे जिन्हों समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह अल्लाह फरमादा तू झिड़कना मारी मंगते नु ते कमली वाले कहना मैं ते नहीं झिड़क मारी मैं ते जेड़ा आया दिता ते आज तेरे बुवे आया तेरे वड़ा गया ते सखी कोई नहीं मैं तेरी का मानदार आज मेरी मानना ते आज सखावत कर मेरे मौला ते मेरे गुलामों नु माफी दे दे रमजान शरीफ आ रहा सखावत दे बुवे खोल दे आज और मैं ते नबी दी सखावत दे क्या कहने मैं ते इंज पढ़ांगा सरकार दे मंगते ते इंज लुत्फो अता होवे सरकार दे मंगते ते अदा हो सरकार दे मगते ते आए इज लुत्फो अदा हो के कहंदे ने अदा करते चल के मेरे नाल पढ़िया जे कहंदे ने अदा कर के पर कमली वाले दे के कहंदे ने जा तेरा 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 भला होवे तेरी सखावत तो सदके माहिया ओ नबी जी दी आम दिना च सखावत दा आ हाल ते जदों आवे रमजान शरीफ
मेरे नबी दी सखावत इंज के तेज हवा भी मुकाबला और मैं हदीस पाक च पढ़िया जब जिबरील आंदे सन रमजान शरीफ च नबी पाक नु कुरान सुनन ते सुनावन ते जिबरील ने जाना ते नबी पाक इन्नी सखावत करनी इन्नी सखावत करनी बुजुर्ग फरमांदे ने पता चलिया किसे वली दी ज़ियारत करो ते उस तो बाद सखावत करो ते बुजुर्ग ए भी फरमांदे ने जिबरील आवे ते नबी पाक सखावत कर सकदे ने ते बारह रबी अव्वल अव्वल नु कमली वाले आऊं ते गुलाम नहीं भाई जिबरील आवे सरकार सखावत करन जद कमली वाले आऊं ते गुलाम भी सखावत कर सकदे ने तवज्जो है जी ग्रामीय कद सखावत करनी आ जेड़े मेरे बेली फैक्ट्रियां वाले बैठे उन्हां फैक्ट्रियां दे मालिक जेड़े कारखानियां दे मालिक अजिना को दो चोर मुलाजिम रखे ने ना अल्लाह ज्यादा देवे और बरकत रब पाक दे सदका रब रिज़्क़ के वसी देवे कोशिश करे कि अपने मुलाजमीन ते रमजान शरीफ च जिन्नी सहूलत ते नरमी कर सके हर तरह वक्त दी नरमी रवैये दी नरमी पैसे वालों नरमी सखावत करे कोशिश करे कि थोड़ा कम लवो कोशिश करे कि छुट्टी जल्दी दे दे आजे कोशिश करे आज के मुलाजमीन और रमजान शरीफ के अंदर सहूलत दे अपने उत्ते खुदा दा फजल चाहते हो ना जे बरकरार रवे ते नेमत बहाल रवे फिर अपने तो नीचे वाले तबके ते उते रमजान शरीफ च अपनी दौलत दे दरवाजे खोल दिया जे नबी पाक ने फरमाया रमजान शरीफ च मोमिन दा रिज़्क वसी कर दिता जाता है वसी कर दिता जाता है आजड़ी तो हाड़ी कमाई ते दौलत है ना ते इनो कितने अपने अपने अकल दी वजह ना समझ लवी कि मैं बड़ा अकल मानदा मैं बड़ा ज़हीन ते रब ने मेनू इस वास्ते ज्यादा दौलत दीती है कि मैं बड़ी ज़हानत ना कारोबार चला रहा नहीं नहीं ना तेरी ज़हानत ते ना तेरी अकलमंदी तेरे नाल बड़े बड़े अकलमंद तेरे नाल बड़े बड़े गरीब ने बड़े बड़े अकलमंद तेरे नाल बड़े बड़े गरीब ने आ जड़ी तेरे को दौलत ते माल है ना ये तेरे ते रब दी अता है ये तेरे ते रब दा फजल है ये तेरे ते करम है दुनिया च को हजरत सुलेमान अलैहि सलाम नाल वध के अमीर ते नहीं ना जित्थों सूरज तलू आंदा जिथे जाके गुरूब हुंदा पूरी कायनात दा बादशाह ते शहंशाह इतना अमीर इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूरी कायनात का शहंशाह चार बादशाह गुजरे ने पूरी कायनात के अंदर जिन्ना पूरी कायनात ते बादशाही की थी हजरत सुलेमान हजरत ज़ुल्करनैन बख्त नसर ते नमरूद दो मुसलमान ते दो काफिर नौजवानों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने अमीर सन के आप इसके बावजूद भी रात नो सारी रात टोकरियां बना के ना खजूर के पत्तियां दी टोकरियां पुराने जमाने च माइया पकड़ी हुई थी माइया जब शॉपिंग करने जाती सन तो टोकरियां लैके एक टोकरियां बना के हजरत सुलेमान वेच दे सन हूँ नहीं बोलना तो सुभान अल्लाह टोकरियां बना के बेचनिया ते शाम नु जेड़े पैसे आने ओदे नाल आपने अपना खाना खरीद के खा लेना ते एक रात ख्याल आया पूरी कायनात दा बादशाह मां ते रब ने मेरी ड्यूटी की लगाई है कि मैं टोकरियां बना के ते खाना रात टोकरियां बनाईया सुबह बेचन गए एक टोकरी भी ना बेची एक टोकरी ना बिकी शाम नो घर रखे आते आज खावन वास्ते घर खाना भी कोई नहीं ते बादशाह शहंशाह पूरी कायनात दा ते शाम नो घर खाना खान वास्ते भी कोई नहीं ख्याल आया टोकरी क्यों नहीं बिकी आज अल्लाह ने पैगाम भेजा सोनिया तेरिया टोकरियां नाल नहीं तू खांदा मेरे फजल नाल खाना है समझी के हो रे मैं शाम नु मजदूरी करना ते फिर रिज़्क़ खाना ना ना हो रे मैं बड़ा फैक्ट्री दा मालिक है मैं बड़ा अकलमंद के मेरा कारोबार इतना वसी है ए फजल ही रब दा ओ ना वेचन देवे ते बादशाहां दी टोकरियां ना विकन देवे मैं ते तू केड़े बाग दी मौली लिहाजा किसी की अकलमंदी नहीं ए फजल रब दा ज़ालिका फजलुल्लाह युतीही मन यशा ए फजल रब दा जिदे ते कर दे लिहाजा फज रमजान शरीफ दे अंदर अपने खजाने दे मुंह खोल दे आज अल्लाह बड़ा सखी है जदों बंदा सखावत करदा है अल्लाह फरिश्ते
ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਦਾ ਏ ਦੇਖੋ ਸਖੀ ਤੇ ਮਾਵਾ ਇਹ ਸਖੀ ਬਣ ਬਣ ਵਖਾਂਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵਖਾਂਦਾ ਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖਾਵਤ ਵਖਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇ ਆਜ ਤੇਰੇ ਬੂਏ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਬੂਏ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕੋ ਲੂਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕੋ ਲੰਗੜਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕੋ ਨਬੀਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕੋ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਮਿਲੇ ਦੇਈਏ ਕੋ ਯਤੀਮ ਮਿਲੇ ਦੇਈਏ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਮੰਦ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿਆ ਸਵਾਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰਤ ਪਿਆ ਸਵਾਰਨਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਰਵੇ ਗੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਤੇ ਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ 60 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਤੇ ਜਾਂ 60 ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕਫਾਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆ ਹੀ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬੈਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਜਾ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਆਪ ਖਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਮੁਫਤੀ ਅਮਲੀ ਆਰ ਖਨਾਈਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ
बोलो सुभान अल्लाह। सवा तीन मन खजूरा सन, वो गुनाह करके आया ते बेकरम ओदे ते कैसे फरमाया खजूर भी कोलों पे देंदे ने। फरमा गरीबा नु नहीं बंड, आप खा लै बच्चा नु खिला लै, तेरी सखावत तो सदके माहिया। हरचे दारी सर्फ कुंदर राह लल तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु। पूछते क्या आका हमें क्या देते हैं, पूछते क्या आका हमें क्या देते हैं, क्या ये कम है कि वो बंदे को खुदा देते हैं, क्या ये कम है कि वो बंदे को खुदा देते हैं। अपने खजाने खोल दिया जे रमजान शरीफ च गरीबां वास्ते। रब तेनों मैनू भुखा नहीं रखना चाहता, ओ नहीं चाहता कि मेरा बंदा भुखा रहे, ओ ते खैरुर राज़िकीन ने, ओ ते यरज़ुकु बगैर हिसाब है, ओ बगैर हिसाब रिज़्क दे, ओ नहीं चाहता मेरा बंदा भुखा रहे। फिर रमजान शरीफ पता क्यों रखे? एक ते रब चाहता कि सारी जिंदगी सारा साल मेरे आखे हराम छड़ने ना, एक महीना मेरे लिए हलाल भी छड़। मैं वेखा तो मेरे आखे किन्ना लगना, हराम छड़न वाले सुबह तो लेके शाम तक हलाल छड़ के वेख, पर शाम नु मैं तेनु इंज दे रिज़्क देवांगा जेड़े तो सारी जिंदगी सोचे भी ना होणगे। इन्ने लजीज खाने देवांगा तेनु मैं, अल्लाह तेनु मैनु भुखा नहीं रखना चाहता। रब की कुदरत की दलील ले के अमीरो तुहानू ते नहीं ना पता जदों भुख लगे ते की होंदा है, पर जब रोजा रख के सुबह तो लैके शाम तक भुखा रहेगा ना, तो शाम को असर तो बाद जब तेरे पेट च गर्मी भुख की महसूस होगी, अग लगेगी ना तेरे पेट च भुख की, फिर उस वेले तेनों किसी गरीब का ख्याल आएगा। जब भुख लगे तो रात को गरीब के बच्चे किवें सौंदे ने, तेनों गरीबों का ख्याल आए, तेनों किसी भुखे का ख्याल आए कि गरीब के बच्चे रात में जो भुखे सौ जावन उन्हें मापिया से की बीत दी, ख्याल आवे जड़े मजदूर की दिहाड़ी नहीं लगती, रात नो ते घर च किवें दा फाका होंदा, तो ते पेट च भुख दी कैसी गर्मी होंदी है। अमीर बंदिया तेनो उस गरीब दा ख्याल आवे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दौर च कैद पै गया ते आप बादशाह सन मिस्र दे, पर आप दे सामने लजीज खाने रखे जाने ते आपने एक लुकमा खा के ते खाना छोड़ देना। अर्ज की सोनिया लोगों नूं लभदा नहीं तुहानूं मिलदा खांदे नहीं, पर मैं रज के नहीं खांदा किधरे गरीबां नूं भुल ना जावां। मैनू एहसास रवे कि इस वेले कह दे दौरान गरीबों का की हाल होंगे। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को सौन लगे, कपड़े उतारे ते तहमत बंद के ना सर्दियों की रात ते कपड़े खुंडी ना लटका दिते। मुरीद अर्ज की हजूर कपड़े क्यों उतारे जे? आपने फरमाया सर्दी तो बड़ी है पर मैं महसूस करना चाहना अज जिदे कोल कंबल नहीं उहदी रात किवें गुजरदी होवेगी। तेनों रमजान शरीफ का रोजा दसेगा गरीब का भुखा पेट उन्हों रात को किवें दी तकलीफ देंदा है, जिदे बच्चे भुखे रात सौंदे ने उस गरीब माँ बाप ते रात किवें दी गुजरती है। ख्याल रखिया जे गरीब रोजे आ रहे ना गरीबों का ख्याल रखने वास्ते, इस बात का भी ध्यान रखिया। नबी पाक ने गुलामों अपनी सखावत के दरवाजे खोल दिया जे जिन्होंने रब ने तौफीक अता की। मियाँ साफर मद ने मुफ्त नियामत मिलती जिसनों ओ ना कदर पछाने, मर मर के हथे आवे जिसनों सोयो कीमत जाने। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमा ने मैं हज करन जा रहा था, राज डाकुआ काफिला लुट लिया, डाकुआ का सरदार जो सारे डाकू समान लुट के ते खाने खा रहे ना, तो डाकुआ के सरदार एक डाकू कहन लगा सरदार जी खा लो, कहन लगा मेरा रोजा है मेरा। हजरत शेख शिबली फरमाते ने मैं करीब जाके आख्या नाले डाके मारना नाले रोजा रखे आई, उन्हें आख्या डाका मारना ते मेरा पेशा है पर रोजा मैं रखे रब ना सुला करन वास्ते।
रब ने सुलह करने वास्ते मैं रोजा रखे आ फरमा दे जो मैं हज कर गया तो मैं वेख्या तो डाकू तवाफ करे काबे का रो रो के परदे काबे दे फड़ फड़ माफिया मंगे माफ कर दे गुनागार बड़ा पर आ गया ना हुण माफ कर दे आ फरमा दे मैं वेख्या तो वही डाकुआ का सरदार करीब होके फरमा दे तू तो डाकू सै ते हज करन आया ते कह लगा शिवली तेन आ कैसी ना मैं रोजा रब ना सुलह करने लिए रखे ते मेरे रोदे ने मेरी रब ना सुलह करा दी है आ फरमा दे जो डाकुआ का सरदार मरिया तो मैं वेखा ओदी कबर च खुशबू आंदी आंदी रोजा रख जे रब ने सुलह करनी है रोजा आ रहा तेरी ते रब की सुलह कराने वास्ते अल्लाह तबारक व तआला सानू तौफीक अता फरमाए कबूल फरमाए अल्लाह सानू खुशियां दा रमजान शरीफ दा महीना गुजारन दी तौफीक अता फरमाए आमीन वाखिरु दवाइया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।